नीट पेपर लीक मामला पूरे देश में गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव का नाम अब सामने आया है। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बीते बुधवार को दावा किया कि इस पेपर लीक के तार बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और लैंड फॉर जॉब केस में आरोपी तेजस्वी यादव से जुड़ी हो सकती है। इसके अलावा इस केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल इस मामले में आरोपी अभ्यर्थी और इस पेपर लीक के मास्टरमाइंड और उसके सहयोगियों ने यह कबूल कर लिया है कि ये पेपर लीक हुआ था। पर सबसे पहले तेजस्वी यादव पर क्या कुछ आरोप लगे हैं ये जान लेते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अभिषेक। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने यह दावा किया है कि नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार सिकंदर यदुवंशी, जो कि इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, वो पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार का करीबी रिश्तेदार है। उन्होंने कहा कि सिकंदर की बहन रीना यादव और बेटे अनुराग यादव के रहने के लिए 4 मई को NHAI का गेस्ट हाउस बुक किया गया था, जिसका उल्लेख NHAI गेस्ट हाउस के डायरी में भी मिला है। इसमें सिकंदर यदुवंशी के भाजे के नाम के सामने एक नंबर और मंत्री जी लिखा हुआ है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। विजय सिन्हा ने आगे कहा कि मैं यह पता लगाने के लिए अपने विभाग से गहन जांच करवा रहा हूं कि कौन से अधिकारी या कर्मचारी तेजस्वी यादव के इशारों पर काम कर रहे हैं। राजद की पूरी व्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार पर आधारित है। तेजस्वी पर विजय सिन्हा के आरोप को लेकर RJD के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि सबसे पहले बिहार के डिप्टी CM सिन्हा को मीडिया के छिटपुट रिपोर्टों के आधार पर कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। आर्थिक अपराध इकाई अपनी जांच में जो पाती है उसे ही मानना चाहिए। आपको बता दें कि इस साल नेट की परीक्षा बीते 5 मई को हुई थी। परीक्षा के दिन ही पुलिस को पटना में पेपर लीक के सुराग मिल गए थे। परीक्षा शुरू होने से पहले ही परीक्षा में धांधली कराने वाले आरोपी सिकंदर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिससे कई अहम सबूत मिले, जैसे कि बच्चों के एडमिट कार्ड और पोस्ट डेटेड चेक आदि। पुलिस ने आगे पड़ताल किया तो मालूम चला कि सिकंदर यदुवंशी दानापुर की नगर पालिका समिति के एक जूनियर इंजीनियर है। उसे 2012 में नौकरी मिली थी। वह समस्तीपुर का रहने वाला है और नौकरी मिलने से पहले रांची में ठेकेदारी का काम करता था। इसके अलावा वह 3 करोड़ रुपए के LED घोटाले में आरोपी था और जेल भी जा चुका है। फिलहाल सिकंदर को बिहार सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। वहीं पेपर लीक का मास्टरमाइंड सिकंदर ने यह कबूल भी कर लिया है कि उसने ही पेपर लीक करवाया। अपने कबूलनामे में सिकंदर ने कहा कि मेरी दोस्ती अमित आनंद और नीतीश कुमार से मेरे नगर परिषद के कार्यालय में तथा हम तीनों ने कार्यालय में मुलाकात के उपरांत काफी देर तक अपना अपना बात साझा करते रहे। इस बीच मुझे अमित आनंद और नीतीश कुमार द्वारा बताया गया कि किसी भी परीक्षा प्रतियोगिता के प्रश्न पत्र आउट कराकर बच्चों को पास करा देते हैं। जब मैंने नीट परीक्षा के विषय में बताया तो उन्होंने बताया कि मैं नीट परीक्षा पास कराने के लिए 30 से 32 लाख रुपए लूंगा। सिकंदर ने आगे बताया कि मैं सहमत हो गया। बीच बीच में हम लोगों की मुलाकात होती रही। मुख्य आरोपी ने आगे बताया कि हमने नीतीश और अमित से कहा कि उसके पास 4 लड़के हैं। पहला आयुष कुमार, उम्र 19 वर्ष, पिता अभिषेक कुमार। दूसरा अनुराग यादव, उम्र 22 वर्ष, पिता संजीव कुमार। तीसरा अभिषेक कुमार, उम्र 21 वर्ष, पिता अवधेश कुमार। और चौथा शिवनंदन कुमार, उम्र 19 वर्ष और पिता राम स्वरूप यादव। सिकंदर ने आगे बताया कि मैं दिनांक 4 एवं 5 मई के रात्रि में रामकृष्ण नगर में जाकर इन बच्चों को उनके हवाले कर दिया और अमित आनंद और नीतीश कुमार द्वारा प्रश्न पत्र लाकर उत्तर सहित सभी को रटवाया गया ताकि परीक्षा में ये सफल हो सके। इस बीच मैं भी लोभ लालच में आकर 30-32 लाख के जगह प्रत्येक बच्चों से 40-40 लाख के डिमांड रखा, लेकिन 5 मई को बेली रोड राजवंशी नगर के पास वाहन चेकिंग के दौरान शास्त्री नगर थाने के पुलिस द्वारा मुझे सभी लड़कों के एडमिट कार्ड के साथ रेनॉल्ट डस्टर गाड़ी के साथ पकड़ लिया गया। सिकंदर ने अपने कबूलनामे में आगे कहा कि पुलिस के समक्ष में अपना अपराध स्वीकार करता हूं। सिकंदर के अलावा इस पेपर लीक में शामिल अमित आनंद और नीतीश कुमार ने भी नीट पेपर लीक में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली है। वहीं इन तीनों के अलावा आरोपी अभ्यर्थी अनुराग यादव ने भी यह कबूल कर लिया है कि उसे 4 मई की रात्रि यानी परीक्षा से एक दिन पहले ही
नीट परीक्षा का सॉल्व पेपर मिला था। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।